अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो आपके साथ आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और बहुत ही जल्दी जल्दी मैं ये रेसिपी शेयर करूँगी ताकि आपका टाइम सेव हो सके। 4 टेबल स्पून माश की दाल लेंगे, 4 टेबल स्पून चने की दाल, 4 टेबल स्पून राइस ले लेने हैं, 4 टेबल स्पून हमने कोई सा भी ओट्स आप ले लें लेकिन सादा हो, 4 टेबल स्पून मसूर की दाल है, मूंग की दाल 4 टेबल स्पून, और हमने दालों की डबल क्वांटिटी में जो है दलिया लेना है, यानी कि अगर हमने 4 टेबल स्पून दालें ली हैं तो हम 8 टेबल स्पून दलिया ले लेंगे। इसी तरह क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। कोरमा बनाने के लिए आप कोई सा भी मसाले का पैकेट ले लें, शान का भी मिलता है, नेशनल का भी मिलता है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन, 4 टेबल स्पून ऑयल और 1 कप प्याज। अब हमें इसमें इतना पानी डालना है कि हमारी सारी दालें और दलिया वगैरह सब इसमें अच्छी तरह से भीग जाएं। और अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ऑयल डाल देंगे। ऑयल आप देख सकते हैं कि गर्म हो गया है, काफी बबल्स आपको नजर आ रहे होंगे इसमें। बस इसी पॉइंट पे आपने प्याज डाल देना है। ये देखें, यहाँ हमारी प्याज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो चुकी है। बस अब हमने इसमें जल्दी से अपना बीन डाल देना है ताकि वो भी हल्का सा फ्राई हो जाए और उसकी जो स्मेल होती है वो दूर हो जाए। बीन के साथ साथ हमें अदरक लहसुन भी डालना है ताकि अच्छा सा अरोमा आ सके। दही ऐड कर रहे हैं हम, इसके साथ सारे मसाले ऐड कर देंगे पनीर के, और थोड़ा सा चूल्हा हम धीमा करेंगे ताकि इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकें। वाओ, मतलब इतना ज़बरदस्त सा कलर आना शुरू हो गया है ना मिक्सिंग करते ही। ये देखें ज़रा, अभी हमने जबकि कुछ किया भी नहीं है। गोश्त गलाने के लिए आप लोगों को जितना पानी रिक्वायर्ड हो आप डालें। मैं यहाँ पर कुकर यूज़ कर रही हूँ तो मैं तकरीबन 2 गिलास पानी डाल रही हूँ, ठीक है। इसमें मेरा जो गोश्त है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएगा। आप ये गया हमारा 2 गिलास वाटर, और बस अब हम इसको कैप कर देंगे अच्छी तरह से। ये देखें, मिक्स कर दिया अच्छी तरह ताकि मसाला हमारा इधर उधर ना हो। अब हमने इसको तकरीबन तकरीबन 10 सीटी तक बजने देना है ताकि हमारा जो गोश्त है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ हमारा कोरमा तैयार हो गया है और अब हम इसको रख देंगे साइड पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी में बॉईल आ चुका है, और अब मैं अपनी सारी जो दालें दलिया था भिगो के रखा था वो सब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। हम कैप करेंगे और उसके बाद इसको हम 10 सीटी तक पकाएंगे। तो हम यहाँ पर दालें चेक करते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आया है, तो आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये हमारी दालें यहाँ पर फुल बॉईल हो चुकी हैं जनाब। तो हमारी दालें रेडी हो गई हैं, ठीक है, वो बॉईल हो के अब हमने अपना जो कोरमा बनाया था, जो कि आप देख सकते हैं, ये इसकी सारी बोटियों को सेपरेट निकालना है। हमारे पास कोरमे का सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेवी होती है वो बची है। अब हमें क्या करना है, एक बड़ी सी हमें देचकी या पॉट बोल दें वो लेनी है, और उसमें हमने इसको खूब अच्छी तरह से जो है ना गरम करना है। जब तक हमारा कोरमा जो है वो गरम होता है तब तक हम अपने गोश्त को मैश कर लें। आप लोग कैसे भी मैश कर सकते हैं, मुझे इस तरह इजी लगा तो मैंने इस तरह कर लिया। ये देखिए, हमारा जो कोरमा था वो अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब हमने जो मैश करा था अपना गोश्त को डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा हमने पानी ऐड करना है, तकरीबन 1 गिलास के करीब। ये देखें, थोड़ा सा आंच को तेज कर देंगे और इसको हमें मिक्स करना है, ठीक है, ताकि जो इसके रेशे हैं वो अच्छी तरह से कोरमे में मिक्स हो जाए ग्रेवी में। ये देखिए, अब इसको हमने पकने देना है और अपनी जो दालें थी उनको रेडी करना है।
यहाँ हमारी दालें ब्लेंड हो गई हैं, अब हमें मिक्स करना है। मिक्स करते हुए भी बहुत ख्याल रखना है हमें, जैसे जैसे हम दाल डालेंगे हमें हाथ के हाथ रुई को जो है वो घुमाते जाना है। बस हमने इसको ऐसे घुमाते जाना है, ठीक है। और ऑलमोस्ट हमारा हलीम रेडी है, ये देखें, बगैर किसी बहुत ज़्यादा मेहनत के बिल्कुल बाजार जैसा हलीम रेडी है। तो ज़रा चेक करते हैं हम, आप वाओ ज़बरदस्त, देखें हलीम बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम अच्छी सी प्लेटिंग करते हैं और मज़े लेके खाते हैं। अल्लाह हाफिज़।